सहारापणा, मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस के कार्यक्रम वार तकरार सरकार में आपका स्वागत है। एक अभिनेत्री बॉलीवुड के कच्चे चिट्ठे को उजागर करती है और मुंबई पुलिस के कामकाज पर सवाल उठाती है, तो सरकार चलाने वाली पार्टी का प्रवक्ता और सरकार का गृहमंत्री दोनों अभिनेत्री को मुंबई छोड़ देने तक की धमकी देते हैं। अभिनेत्री मुंबई को पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसा बताकर जले पे नमक छिड़क देती है। वार पलटवार का ये खेल तकरार में बदल जाता है और तकरार के इस खेल में एंट्री होती है मुख्यमंत्री की, जो कहते हैं कि बाहर से आकर रहने वाले मुंबई का कर्ज नहीं उतारते, यानी वार और तकरार के बाद सरकार का दखल, और सरकार के दखल का नतीजा सामने है, बदले की कार्रवाई। लेकिन ये बदले की कार्रवाई उद्धव सरकार के गले की अब फांस बन गई लगती है। कंगना के समर्थन में मुंबई में लोगों का आना, आरपीआई जैसे कई दलों और करणी सेना का साथ, यही नहीं सरकार के एक धड़े के मुखिया शरद पवार ने भी एक्शन पर सवाल उठा दिया, यानी उद्धव सरकार की फजीहत। मुंबई पहुंचते ही फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने तोड़फोड़ को बदले की कार्रवाई बताया और उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा कि कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। दरअसल कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले ही उनका बांद्रा के पाली हिल स्थित ऑफिस पर बीएमसी का हथौड़ा चल चुका था और जमकर चला। बीएमसी की इतनी तेज कार्रवाई शायद ही पहले किसी और केस में देखने को मिली हो। 48 घंटे के अंदर अंदर मुआयना, नोटिस, फिर तोड़फोड़, सब कुछ हो गया। हालांकि 2 घंटे बाद हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक जरूर लगा दी, लेकिन हमारा मकसद ये खबर बताना नहीं बल्कि वो सवाल है कि सरकारें पारदर्शिता की शपथ लेती हैं, उसी की आड़ में आवाज़ उठाने वाले लोगों के खिलाफ बदले की कार्रवाई करती हैं। लेकिन कंगना ने सरकार और सरकार चला रही पार्टी से पंगा लिया, इसलिए उनके 48 करोड़ रुपये से बनाए ऑफिस को पूरी तरह तोड़ दिया गया। मुंबई में बेशुमार अवैध निर्माण है और इसलिए कंगना सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगा रही है। मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है। मेरी क्लाइंट जो है वो खुद हिमाचल में है, वो भी यहाँ पे नहीं है, उसके बावजूद वो लोग इलीगल अंदर घुसे घर में, क्रिमिनली थ्रेटन करके और आस पड़ोस में सबको धमकी देके घुस गए घर में, और उन्होंने अपना जो भी कुछ कार्रवाई किया और हमको नोटिस दिया, बेबुनियाद नोटिस दिया। वो नोटिस का जवाब मैंने कल का कल ही दे दिया था, जिसमें 24 घंटे लिखे थे, मैंने उनको 4 घंटे में दे दिया, 24 घंटा भी नहीं रुका। 4 घंटे में उनको जवाब देने के बावजूद उन्होंने आज सुबह 10:19 पे हमारा जवाब रिजेक्ट किया, और 10:19 पे रिजेक्ट करने के पहले ही आदमी मौजूद हो गया था तोड़ने के लिए। अब सवाल ये कि क्या कंगना रनौत महज मोहरा है और महाराष्ट्र सरकार केंद्र से उलझने के लिए कंगना पर कार्रवाई कर रही है? क्या किसी पार्टी का प्रवक्ता किसी भी देश के शख्स को और खासकर किसी महिला को इस तरह गाली दे सकता है और पार्टी उसे प्रमोशन देकर मुख्य प्रवक्ता बना देती है? कई सवाल हैं। सवाल यह भी है कि क्या मुंबई में सभी इमारतों ने बीएमसी के नियमों का पालन किया, और क्या नियमों और नक्शे के उल्लंघन करने वाले सभी लोगों पर बीएमसी का हथौड़ा इतनी तेजी और इतनी सख्ती से चला या आगे भी चलेगा, या सिर्फ कंगना रनौत के केस में इतनी तेजी दिखाई गई क्योंकि गाली देने वाले प्रवक्ता बीएमसी की कार्रवाई को कानूनन सही ठहरा रहे हैं? हम सुनाते हैं भारतीय जनता पार्टी की मांग क्या है। 24 घंटे की तत्परता में इस प्रकार की कार्रवाई मुंबई शहर के सभी अनधिकृत इनलीगल कंस्ट्रक्शन पे होने की आवश्यकता है। कल से भारतीय जनता पार्टी बीएमसी कमिश्नर को 24 घंटे में अनधिकृत कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई करने की मांग करेगी, और मुंबई वासी भी बीएमसी से इस प्रकार से 24 घंटे में इनलीगल पर कार्रवाई करने का काम करे अपेक्षा करती है। 3 सितंबर से कंगना रनौत और शिवसेना के बीच शुरू हुई तकरार एक हफ्ते में ही कितनी उलझ गई, बात मुंबई पुलिस के कामकाज से शुरू होकर मुंबई के पाक ऑक्यूपाइड होने तक जा पहुंची। कंगना रनौत के निशाने से बिलबिलाए महाराष्ट्र सरकार और उसके नेता पूरे पछड़े को राज्य की अस्मिता से जोड़कर कैनवास बड़ा करना चाहते थे। वार तकरार सरकार में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं
गेस्ट वैभव अग्रवाल, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है वैभव। अनुज अत्रे कांग्रेस के लीडर हैं हमारे साथ। जयेश वाणी ज्वाइंट सेक्रेटरी युवा सेना, एडवोकेट भी हैं। सुरेंद्र पाल जाने माने एक्टर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वैभव आपके पास आऊँगा, न डरूंगी न झुकूंगी, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाती रहूंगी। कंगना रनौत ने यही कहा है, आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। दिल से दुखी, परेशान और एक तरफा कार्रवाई बता रही है बीएमसी की, भारतीय जनता पार्टी कितने साथ खड़ी है उनके, और ये उनको कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे हाथ में भारत की कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिख रही है जी। तो देखिए, इस देश में हर नागरिक का अधिकार होता है, और उन नागरिक के अधिकारों का हनन यदि होता है तो भारतीय जनता पार्टी की ना सिर्फ सरकार लेकिन सारी पार्टी साथ में खड़ी होती है। और ना सिर्फ वो कंगना पे लागू है, बनिस्पत इसके भी कि अगर अनुज अत्रे के साथ भी कुछ होता है, जयेश या सुरेंद्र जी के साथ भी कुछ होता है, तो हम उनके साथ भी हैं। तो देखिए, इसको देश में अराजकता फैलाने के लिए ये सब करा जा रहा है। हरामखोर को नोटी बना के उसकी स्टेटमेंट दी जा रही है। मैंने आज संजय राउत को ट्वीट किया, हरामखोर बोला। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो मेरे को पलट के कुछ बोले या वो मेरे को कोर्ट में घसीटे, क्योंकि इन्होंने तो मतलब अनुज जी, जयेश जी, सुरेंद्र जी या कोई भी, हम राजनीतिक रूप से ना भी देखें भूपेश जी, हरामखोर का क्या मतलब होता है हिंदी में? मतलब अंग्रेजी में बास्टर्ड का क्या मतलब होता है? मतलब मैं बोलने लायक शब्दों के प्रति मेरा जो रुझान रहता है वो आज कम हो रहा है, क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं है उस सिचुएशन को बोलने के लिए। और मुंबई की बात हम कर रहे हैं, शाहरुख खान की मन्नत हो या सलमान खान का बंगला हो या उद्धव ठाकरे की मन्नत, जो भी नाम है उनका, मातोश्री खुद हो, क्या वो ये कह रहे हैं कि इन सबने अपने अपने नक्शे पास करवा रखे हैं? मतलब यार, ये तो मजाक बना दिया आपने बीएमसी का। पहले जब बरसात में पानी भर रहा है, सड़कें टूट रही हैं, ब्रिज गिर रहे हैं, बीएमसी के तहत में 35,000 करोड़ का बजट है साल का, है उसकी तो कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। शिवसेना के पास है, आदित्य ठाकरे चेयरमैन थे बीएमसी के, अभी जब तक सरकार नहीं आई थी, है उसका तो कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। और एक नागरिक का, एक अच्छे नागरिक का, जो कि टैक्स पेयर है, जिसकी वजह से आपकी सरकारें चलती हैं, जिसकी वजह से देश की सारी काम चलते हैं, उसको आप इस तरह परेशान कर रहे हैं? कंगना रनौत करोड़ों में देती है टैक्स, किसी की हिम्मत है? संजय राउत की हिम्मत है? कितना टैक्स देते हैं संजय राउत? चलिए आता हूं मैं अभी आपके पास। अनुज अत्रे हमारे साथ मौजूद है। अनुज, अगर घटक दलों की बात करें तो सीधे सीधे शरद पवार ने भी कह दिया है, गैर जरूरी था, नहीं करना चाहिए था, बीएमसी की जो कार्रवाई है उससे बचना चाहिए था, लोगों को मौका मिल रहा है उद्धव सरकार पर निशाना साधने का। आप एक घटक दल है, किस तरीके से आप इस पूरे प्रकरण को देखते हैं कांग्रेस के लिहाज से? देखिए भूपेश जी, जिस प्रकार से ये दो व्यक्तियों के बीच का जो वाद और विवाद था, जो कहीं सोशल मीडिया से लड़ाई जो छुड़ी हुई, और आज इसका जो है एक बदसूरत रंग निकल करके सामने आ रहा है, निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है। जो ये सब हो रहा है ये नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है ये हम किसी एक को इसमें दोष देना नहीं होगा, ये जो है इस प्रकार की हरकतें दोनों तरफ से हो रही हैं, चाहे कंगना रनौत ने जो है पीओके बोला हो मुंबई को, चाहे अपना मुंबई पुलिस के ऊपर उन्होंने प्रश्न उठाए हों, या उसके बाद जो है संजय राउत जी ने जो है अपना जिस प्रकार के अपशब्द बोले एक महिला होने के नाते, वो दोनों चीजें कहीं से कहीं भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। आज हम कैसे स्वीकार कर लेंगे कि कोई हमारे किसी भी प्रदेश के या किसी भी प्रदेश के शहर को, उसकी राजधानी को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोल दे? आज मुंबई पुलिस जो ऐसी पुलिस है जिसका जो है विश्व स्तर पर जो है एक नाम है, जिसने तमाम जो है टेररिस्ट अटैक्स की जो इंक्वायरी करी है, तमाम बड़े बड़े जो है कहीं ड्रग पेडलर्स को उन्होंने पकड़ने का काम किया है, ये वही मुंबई पुलिस है जिसने जो है फिल्म इंडस्ट्री में जब अंडरवर्ल्ड का पूरी तरह से उसमें घुसपैठ हो गई थी, और तमाम जो है ये हीरो हीरोइंस एक्टर्स और जो हैं इन लोगों के ऊपर अंडरवर्ल्ड का जो है साया था, और ये इन लोगों को इनसे कहीं ना कहीं डर के और उसके सहमे हुए साए में रहते थे, तो मुंबई पुलिस ही है जिसने उनको मुक्ति दिलाई।
और आज कोई अभिनेत्री जो है अगर वो जाकर के मुंबई पुलिस के ऊपर जिस प्रकार से आरोप लगाए तो वो भी उचित नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं अगर कंगना रनौत के पास कोई भी किसी प्रकार के सबूत थे ड्रग पैडलर्स को लेकर के थे या जिसने जिस तरह से उन्होंने लगाया वो क्यों नहीं लेकर के आई सामने। अच्छी बात है आज इतनी वो हिम्मत दिखा रही हैं, इतना वो बढ़ चढ़ करके बोल रही हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए जो है ऐसी जो है आज जो उन्होंने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो जारी की है उसमें तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग किया है, उनको नाम लेकर के पुकारा है, ना जी लगाया है ना श्री लगाया है, तो ये क्या शोभा देती है क्या? अगर आप महिला हैं तो आप किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देंगी और आपको उसकी कोई माफी नहीं हो पाएगी क्योंकि आप महिला हैं और आपके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। देखिए अगर आप अगर जो है सभ्यता की सीमा लांघेंगे तो कहीं ना कहीं से दूसरे लोग भी आपकी सीमा को उसको लांघ सकते हैं। चलिए आऊंगा, ये तो पॉलिटिकल वर्जन हो गया कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का। हमारे साथ जाने माने कलाकार सुरेंद्र पाल जी भी मौजूद हैं जिन्होंने एक लंबी पारी खेली है बॉलीवुड में भी और चर्चित चेहरा है, दशकों इन्होंने मुंबई में भी बिताए हैं कई दशक। सुरेंद्र जी किस तरीके से आप इस पूरे प्रकरण को देखते हैं और एक कलाकार की हैसियत से क्या लगता है कि जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है हश्र यही होता है? भूपेश जी मैं अभी तक तो कभी इतना दुखी नहीं हुआ हूं जितना पहली बार मैं महाराष्ट्र में रहते हुए। पहली बार मुझे एहसास हुआ है इस बात का कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज रह ही नहीं गई है महाराष्ट्र में। ये शिवसेना ने आके जितना नाम बाला साहब ठाकरे ने कमाया था मैं तो कहता हूं पुत्र ने आके उतना ही नाम खराब किया है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुलडोजर चलाया है उन अवैध अंडरवर्ल्ड्स के ऊपर जो गैर कानूनी काम करते थे उनके ऊपर उसने बुलडोजर चलाया है, लेकिन यहां पे तो सीएम साहब ने एक निर्दोष महिला पे ऊपर उसके ऑफिस के ऊपर चला दिया है जो कि बेकसूर है। और बेकसूर में क्या है कि उसने थोड़ी सी तीखी प्रतिक्रिया प्रकट कर दी थी। अजी तीखी प्रतिक्रिया अगर कर दी थी, लोकतंत्र है, कहने का हर आदमी को अधिकार है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है आपको जो भी लगता है आप अपना प्रतिक्रिया कह तो सकते हैं, बोल तो सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या इस पे भी हमारी लगाम लगाई जाएगी, इसके ऊपर भी हमारे ऊपर हमें कोई बड़ा सा एक्ट लगा के हमें जेल में भेज दिया जाएगा, क्या इस तरह का कार्य सरकार करेगी? अरे सब लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान ने इस प्रकरण को देखा है। कंगना रनौत के ऑफिस के ऊपर जो बुलडोजर चला है वो बहुत ही शर्मिंदा कार्य किया है ये सरकार ने। उनको इस तरह की ना तो राजनीति करनी चाहिए थी, बल्कि अगर उनको तकलीफ थी या उनके कोई रिमार्क ऐसे थे तो उनको आपस में बैठ के समझौता कर लेना चाहिए था या पूछ लेना चाहिए था भाई ये इस तरह की है, लेकिन इस तरह की हरकत करना आपका घर तोड़ दूंगा। अरे मैं आज सरकार से, महाराष्ट्र की सरकार से पूछता हूं कि कौन सा घर ऐसा है जो इलीगल नहीं है, कौन सी मजार या कौन सी मस्जिद ऐसी है जो इलीगल नहीं है, कितनी मजारे हैं जो बॉम्बे के अंदर इलीगल है, कितनी मस्जिदें हैं जो इलीगल है, वहां पे हर जगह कितनी लोगों ने अपने घर, अगर आप घर तोड़ने जाएंगे तो मुझे तो लगता है हर आदमी का घर इलीगल है। चलिए आता हूं सुरेंद्र जी, जयेश वाणी हमारे साथ मौजूद है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है युवा सेना के, एडवोकेट भी है, जाने माने वकील भी है, किस तरीके से अब ये कोर्ट में मामला जाएगा इस पर भी बात करेंगे। जयेश समझना ये चाहेंगे यहाँ पर क्या जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाएगा, उसको देशद्रोही बता दिया जाएगा, ये कह दिया जाएगा कि मुंबई में घुस के दिखाइए हम देख लेंगे, ये किस तरीके का राज, ये किस तरीके की सरकार? वही बात जो यीशु ख्रिस्त ने सूली पर चढ़ने से पहले कही थी कि भगवान इन्हें माफ कर, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं है। ये बात है सुरेंद्र पाल और वैभव अग्रवाल के लिए, क्योंकि इनको जानकारी तनिक भी नहीं है, टीवी पर आकर बात करने के लिए यहाँ बैठ गए हैं। मैं फैक्चुअल बात करूंगा, वकील हूँ, झूठ निकले मामला दर्ज करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या तो फिर मैं सीना खोक कर चैलेंज करता हूँ कि मेरी बात गलत साबित करे। सबसे पहले तो वैभव अग्रवाल जी, आदित्य ठाकरे के पास चेयरमैनशिप थी ऐसा आप कह रहे हो, मुंबई के झूठ, सरासर झूठ, अगर ये साबित कर दो तो वकालत छोड़ दूंगा जिंदगी भर के लिए, वरना आप राजनीति छोड़ दीजिए। झूठ बोलना आपकी फितरत है, आपकी आदत है,
पिछले 2.5 साल से लगातार कंगना रानावत को उसके इंस्ट्रक्शन को लेकर नोटिसेज जा रही थी। अगर हिम्मत है तो कंगना रानावत आके कहे कि उसको एक भी नोटिस नहीं मिली थी, या सुरेंद्र पाल जी कहे कि कंगना रानावत को नोटिस नहीं मिली थी, तब मैं बात करूंगा। ये झूठ बोले जा रहे हो लगातार। हम लोगों को एक बात समझनी चाहिए, और अवैध चीजें जो होती है, अवैध चीजें अवैध होती है, फिर मेरी अवैध चीज अलग, आपकी अवैध चीज अलग, या उसकी अवैध चीज अलग, ऐसे नहीं हो सकती है। कंगना रानावत को पिछले 2.5 सालों से लगातार नोटिसेस मिल रही थी, क्यों कंगना रानावत ने नोटिस का जवाब नहीं दिया? आज जब तोड़क कार्रवाई शुरू हो गई है तो तोड़क कार्रवाई के खिलाफ आप कोर्ट में गए, कोर्ट ने स्टे दिया, उसके बाद से एक पत्थर भी ढाया गया है? कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट की इज्जत करते हैं, इसीलिए कोर्ट के आदेश आने के बाद तुरंत तोड़क कार्रवाई रोकी गई। ये कोर्ट के प्रति, ये इस देश के संस्थाओं के प्रति हमारी इज्जत है। वैभव अग्रवाल जी, 2.5 साल से उनको नोटिस भेजे जा रहे थे, कोर्ट ने जब ऑर्डर कर दिया तो एक पत्थर भी नहीं तोड़ा गया, क्या जवाब देंगे? कोर्ट के ऑर्डर के बाद तो किसी परिंदे की भी औकात नहीं है कि वो हाथ लगा लेते, तो भूपेश जी इसमें तो मैं बोलूंगा ही नहीं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है जयेश की, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, उन्होंने कोई एहसान नहीं कर दिया कोर्ट के बाद पत्थर तोड़ने की, अगर हिम्मत है ना तो तोड़ के बता दो, उसके बाद देखेंगे, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात हमें ये चीज समझनी चाहिए कि 2.5 साल से हम किस चीज का वेट कर रहे थे, आज ऐसी क्या स्थिति हो गई कि आज ही तोड़ना है? मुंबई में जर्जर बिल्डिंग है, गिर रही है, जहाँ पे जाने जा रही है, इनका क्या, उनका क्या हिसाब किताब है? उनको नोटिस 2.5 साल से भेजे हुए हैं, देखिए बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है सब कुछ बोलना, अपन अपन हमेशा तोते की तरह बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या है, लेकिन जब अपन डिस्कशन का स्तर गिराते हैं तो फिर जिस तरह वो बात करते हैं, मेरे को राजनीति छोड़ने की बात कर रहे हैं, उनको अंदाजा ही नहीं है मैं कौन हूँ क्या है, कोई बात छोटे हैं मेरे से, तरस आता है मेरे को इनकी मानसिकता पे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत कोई परेशानी नहीं है। मेरे ख्याल से जिस तरह पूरी इस कार्रवाई को, इसको नियोजित ढंग से करा गया है, इसमें बात आती है कि आपको किसी के प्रति द्वेष है और वो द्वेष निकालने की आप कोशिश कर रहे हैं। ये लीजिए, वो कह रहे हैं तोड़ा नहीं गया है, देखिए देखिए क्या हाल है उनके उनके घर का, तो देखिए रातों रात ऐसा क्या हो गया था कि वो कर रहे हैं, तो ये तो सारा मामला एक्सप्लेनेबल है। चलो ठीक है, हम बीएमसी को उनका घर तोड़ने की बात करते हैं, क्या जयेश जी की हिम्मत है कि वो बोले कि संजय राउत ने हरामखोर बोला, वो गलत बोला? प्रियंका चतुर्वेदी को इन्होंने एमपी बनाया किस लिए? प्रियंका चतुर्वेदी ने, राज बब्बर इतने बढ़िया आदमी है, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता है, मंत्री ने हिम्मत नहीं थी कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जो ड्रग पेडलर बैठे हैं उन पर कार्रवाई करे, किसके रिश्तेदार थे जिनको फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करना था, आप बताइए, आपकी जवाबदेही बनती है, महिला विकास विभाग आपके पास था पिछले 5 सालों के लिए, गृह मंत्रालय। अनुज अत्रे, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर जारी है, कांग्रेस से सवाल, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साथ उद्धव ठाकरे के साथ ही शरद पवार ने भी कंगना राउत का साथ दिखा दिया है, ट्वीट किया है उन्होंने, कोई ऐसी मीटिंग जिसमें इस पर बात होगी, डैमेज कंट्रोल की कोशिश होगी, आप लोग भी अपनी बात रखेंगे कि किसी तरह ये मामला ठंडा हो, सरकार को भी संयम बरतना चाहिए, बीएमसी को भी संयम बरतना चाहिए? देखिए निश्चित तौर पे मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह से शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जो भाषा शैली दोनों तरफ से प्रयोग की गई है, वो बिल्कुल जो है उचित नहीं है। अकेले शिवसेना नेता संजय राउत को अगर हम जो है दोषी ठहराए, वो भी उचित नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं भड़काने की कार्रवाई पहले कंगना रनौत की तरफ से की गई, कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल मराठियों की जो है भावनाओं को आहत किया गया। ये देखिए, अगर हम किसी भी प्रदेश में रहते हैं, पूरा देश हमारा अखंड है, सब लोग स्वतंत्र है किसी भी प्रदेश में आने जाने के लिए, वहाँ रह के अपना रोजगार कमाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सोशल एथिक्स भी कोई चीज़ होती है। अगर मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ और मैं अगर कर्नाटक में जाकर के, वहाँ पे बेंगलोर में जाकर के, और कर्नाटक की जनता को भला बुरा कहूँ, और वहाँ की कर्नाटक की सरकार को, कर्नाटक के प्रशासन को, कर्नाटक की एडमिनिस्ट्रेशन को भला बुरा कहूँ, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जनता की भावना आहत होंगी। आप यहां पर यह चीज नहीं कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के पीछे आप पूरे के पूरे सिस्टम, पूरे के पूरे शहर, पूरे के पूरे प्रदेश के लोगों को आप गाली दे दें, वो चीज कोई सबकी भावनाएं हाथ होंगी, सब लोगों के, सब लोग चाहते हैं कि हम लोग मिलजुल के रहें, और अगर किसी के पास कोई कोई भी वाद विवाद है तो उसमें ऐसा नहीं होता कि आपका दो पक्षों का, आपका दो व्यक्तियों का वो है, एक व्यक्ति का मतलब फिल्म इंडस्ट्री नहीं है और दूसरी तरफ से एक व्यक्ति का मतलब पूरी पार्टी या पूरी सरकार नहीं है।
वो दो व्यक्तियों का है तो उसमें बैठ करके सुलझा लेना चाहिए था। सोशल मीडिया पे एक चली हुई बहस जो है आज उसका कितना जो है बदसूरत रंग देखने को मिल रहा है। दोनों सभ्य समाज से आते हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों सेलिब्रिटी हैं, दोनों ही पब्लिक फिगर हैं। आप क्या समाज में संदेश देना चाहते हैं, किस प्रकार की शब्दावली के साथ आप आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये चीज देखनी पड़ेगी। आज कंगना रनौत को भी सुरेंद्र जी उनके साथ सुरेंद्र जी कंगना रनौत ने इससे पहले मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि मुंबई में डर लगता है और यहाँ के हालात पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसे हो गए हैं। अब आरएसएस का समर्थन आ गया, आरएसएस का समर्थन आ गया, करनी सेना का समर्थन आ गया। आरएसएस का कहना है कि असत्य के हथौड़े से सत्य की नींव नहीं हिलती। सपोर्ट मिल रहा कंगना रनौत को भी के लिए? बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी एक ओहदे पर बैठे हैं, आप सरकार चला रहे हैं, पूरे पूरे स्टेट को आप देख रहे हैं, किसी एक औरत को नहीं देख रहे हैं जिसके लिए आप इस तरह का हरामखोर बदमाश इस तरह के गंदे शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं। ये हमारा समाज नहीं है और ऐसे समाज की मैं निंदा करता हूं इस तरह की अभद्र टिप्पणी आप लोग करते हैं। आप कह दोनों लोग ऐसा बोल रहे थे, उसने क्या बोला था? उसने कोई गंदे शब्द नहीं बोला था, कोई पॉलिटिशियन को उसने गाली नहीं दी थी, कोई हरामखोर शब्द नहीं इस्तेमाल किया था। जयेश जी, इस तरीके के शब्दों का महिला के लिए इस्तेमाल करना गैर वाजिब था, इससे बचा जा सकता था। संजय राउत इससे बच सकते थे, शिवसेना इससे बच सकती थी, उन्होंने भी आग में घी डालने का काम किया। मुंबई को पाकिस्तान कहती है, ये बात तो साफ हो गई कि सुरेंद्र पाल आप और उसके बाद में वैभव अग्रवाल आप, पूरी बीजेपी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुंबई को, मराठी मानुष को पाकिस्तान कहने वालों के साथ आप लोग खड़े हो, यही चाहिए आपको? आपको मराठी भाषा का इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है। मराठी भाषा में कई ग्रामीण शब्द ऐसे हैं जो कि बोलचाल की भाषा में रोज इस्तेमाल किए जाते हैं। बावजूद इसके जो कहा गया वो सही होगा या गलत होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुंबई को पाकिस्तान कहे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई महाराष्ट्र को पाकिस्तान कहे। वैभव जी, पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर कोई मुंबई को कह रहा है और आप सपोर्ट में खड़े हो गए हैं, इसका जवाब दीजिए सर। शिवसेना की अगर हैसियत है तो मैं शिवसेना को ओपन चैलेंज करता हूँ। ज्यादा मराठी मानुष की बात कर रहे हैं ना, इनका अपना, इनको बोलिए, शिवसेना को बोलिए, अभी सरकार में है ना और जयेश जी भी हैं, तो एक कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के जो वोटर रोस्टर होता है ना उसमें ये बताएंगे कि मराठी मानुष कितने और बाहर के लोग कितने हैं, और जो बाहर के लोग हैं ना मराठी मानुष सबको बाहर निकाल के चलो वोटर रोस्टर लगा दो, चलो क्या साबित होगा? ध्यान देने का नहीं होता है, ठीक है ना जयेश भाई? क्या साबित होगा, क्या साबित होगा? ठीक है, आप ये क्या है, इनको इनको अपनी वो क्या होती है ना, इनको अपनी, भूपेश जी, इनको अपनी बात का इल्म नहीं है, इनको राजनीति का इल्म नहीं है। इन लोगों ने तो गुंडागर्दी करी है सारी उम्र, इन लोगों ने राजनीति तो करी, जनता की सेवा तो करी नहीं। गुंडागर्दी और राजनीति तो दोनों जहाँ मिल जाए वहाँ। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है यहाँ पर। सुरेंद्र जी, क्या यहाँ पर ऐसे हालात हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसे हालात हैं मुंबई में, आपको भी डर लगता है? क्या आप भी कहेंगे मुंबई की कार्य, मुंबई पुलिस की जो कार्यशैली है वो ठीक नहीं है? लग रहा है कि महाराष्ट्र जैसी भूमि पर मुझे इस तरह का व्यवहार, इस तरह की राजनीति, इस तरह का घिनौना। अरे आज सरकार है कल नहीं रहेगी, ये सरकार आपकी ये वक्त घूमेगा घूमेगा बहुत जल्दी घूमेगा। बहू को वापस भेज दिया था ये कहते हुए कि अशी समुची माता अस्ति सुंदर रूपवती अमीही सुंदर विश्वस्तो वदले छत्रपति। अनुज अत्रे जी हमारे साथ मौजूद हैं, नहीं आया काफी देर से आपके पास। अनुज जी, जो कार्रवाई हुई है 24-48 घंटे में उसको भी आप जायज मानते हैं? ठीक है कि एक महिला ने इस तरीके की बात की, आगे जो पार्टी के प्रवक्ता थे उन्होंने भी आगे अब शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन बात यहां तक पहुंच गई थी कि 24-48 घंटे में पैमाइश हो गई, सब चीजें देख ली गई और उसके बाद तोड़फोड़ भी शुरू कर दी गई उसके वहां पहुंचने से पहले, इसको भी जायज मानते हैं आप? देखिए, अब इसका जायज और नाजायज, भूपेश जी, ना तो मैं प्रशासन में बैठा हूं और ना हम इस बारे में कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। निश्चित तौर पे देश भर में जो है जितनी भी सिविल एजेंसीज हैं, सिविक एजेंसीज हैं, जितनी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, समय समय पर आधार पर जो है कुछ ना कुछ जो भी अवैध निर्माण है वहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहती है, चाहे दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें या मुंबई की बात करें। ये अलग बात है कि आज अगर जो कंगना रनौत जी की इनकी ऑफिस में जो कार्रवाई हुई है उसको इस विवाद से जोड़ करके देखा जा रहा है, लेकिन अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है
और कल हाई कोर्ट में सुनवाई है, हाई कोर्ट अगर उसको ठहराएगा उचित था तो फिर वो उचित कहलाया जाएगा, अगर गलत कह शरद पवार साहब की मीटिंग है तो उनको शरद पवार साहब की मीटिंग है उद्धव ठाकरे से, लग रहा है कि कुछ डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, कांग्रेस भी पूरा सहयोग करेगी उसमें और ये मामला जल्द ठंडा होगा। मैं पहले ही बोला था कि ये जो विवाद हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, इसमें कहीं भी ये विवाद को इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इसके पीछे विवाद के पीछे ये भी देखना पड़ेगा कि इसकी विवाद की जड़ें कहाँ से निकल करके आ रही हैं, कौन इस विवाद की जड़ों में जो है पानी डाल रहा है। कहीं ना कहीं कंगना रनौत को समझ लेना चाहिए कि आज वो किनके इशारे पर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके जो है अपना वातावरण, वो एक अभिनेत्री है, एक कलाकार है, एक प्रोफेशनल है, अपने काम पर ध्यान दें, अच्छी एक टैलेंटेड अभिनेत्री है। आज उनको जो है कि हिमाचल प्रदेश से आकर के मुंबई में काम मिला, मुंबई उनकी कर्मभूमि है और उनको जनता ने अपनी सर आंखों पर बिठा करके एक अच्छे परचम पर बिठाया है, तो मुझे लगता है राजनीतिक भाषा उनको नहीं बोलनी चाहिए, राजनीति के पचड़े में नहीं फंसना चाहिए। राजनीति करने के लिए राजनीतिक बैठे हैं, राजनीतिक दल बैठे हैं जो लगातार करते रहते हैं, उनको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए था। रही सवाल जो ये विवाद उन्होंने शुरुआत किया है, सबसे पहले इसमें जो उन्होंने उठाया था कहीं वो सुशांत सिंह राजपूत के जो सुसाइडल मैटर में जो रिया चक्रवर्ती का जो एक उसमें ड्रग कनेक्शन निकल के आया था उसमें से जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो भी हैरानी करने वाली बात थी कि आप इतने समय से इंडस्ट्री में बैठी हैं, आपको अगर जानकारी है इंडस्ट्री के बीच में कि कहीं ना कहीं ड्रग्स माफिया का उसमें कनेक्शन है, लोग ड्रग्स का उपयोग कर रहे हैं और आप चुपचाप देख रही हैं, अब आप रानी की झांसी अपने आप को प्रोजेक्ट करती हैं कि मैं उसकी तरह डरूंगी नहीं, तो आपने शुरुआत में ही बोल देती, हो सकता है कि ये ड्रग्स का जो है जो ये कनेक्शन निकल के आ रहा है ये रुक जाता है, कोई तो निकल के आना चाहिए था। अब आज आप इतना मुखर होकर के बोल रही हैं शुरुआत में। जयेश भाई, लगता है आपको कि सरकार फेस सेविंग के मूड में आई है और सरकार को लग रहा है कि जितना डैमेज होना था हो गया, अब इस बात को जल्द से जल्द ठंडे बस्ते में डाला जाए, लेकिन कंगना रनौत का यहाँ पर नुकसान जरूर हो गया। देखिए, मैं अत्रे साहब की पहली तो बात का एक समर्थन करता हूँ कि कंगना रनौत जी को ये पता था। पता कैसे था? मैंने अपने ट्विट हैंडल से उनका एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें बिल्कुल साफ है, वो कह रही है कि मैं जब मुंबई में आई थी तब मैं खुद ड्रग एडिक्ट बन गई थी। क्या मतलब? कंगना रनौत को भी तो कहीं से कहीं ड्रग मिल रहा होगा ना। सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में ड्रग एडिक्शन को लेकर जब सामने आई, पीएम नरेंद्र मोदी नाम की पिक्चर जिन्होंने निकाली विवेक ओबेरॉय को लेकर, उन प्रोड्यूसर डायरेक्टर का नाम आ गया था, बाकी सब लोगों को तो अरेस्ट कर लिया, उसको क्यों छोड़ दिया? देखिए, ये सारी बातें जो है ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई जा रही है महाराष्ट्र और मुंबई को बदनाम करने के लिए। इनकी ये मंशा है कि मुंबई को तोड़कर गुजरात के साथ जोड़ दिया जाए, मुंबई को अलग से जोड़ दिया जाए। जैसे अभी अग्रवाल जी ने कहा कि रोस्टर निकाल लीजिए तो पता चल जाएगा मुंबई में मुंबई वाले कितने, मराठी कितने, बाहर के कितने, इनका ये प्लान है। सुरेंद्र जी, एक कटाक्ष भरी स्माइल आपके चेहरे पर है, आपसे समझना चाहूंगा क्या लगता है आपको कि इस घटनाक्रम के बाद अब जो उनकी बिल्डिंग टूटी है या जो उनको 40-45 करोड़ रुपए का जो बताया जा रहा है कि इतना नुकसान हो गया है, बीएमसी ने तोड़ दिया है सब, लगता है आपको कि अब ये मामला कोर्ट कचहरी जाएगा और बढ़ेगा या अब यहाँ पर सरकार भी थोड़ा नरम पड़ेगी और कंगना राउत के तेवर भी थोड़े नरम पड़ेंगे? देखिए, मैं लड़ाई के फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं हूं कि लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो लोग सरकार चलाने वाले लोग हैं उनको संयम रखना ज्यादा जरूरी है पब्लिक के लिए। अब आप कह रहे हैं उसने गाली दी तो हम भी गाली देंगे, ये कौन सा तरीका है भाई, ये कौन सा तरीका? आपको सरकार ने, जनता ने चुन कर भेजा है और आप यहाँ बैठ के राजनीति की शब्द बोल रहे हैं कि उसने ऐसा किया, बीजेपी वालों की चाल है, इसकी चाल है, उसकी चाल। अरे ये सब नहीं है, जनता सब देख रही है, जनता को सब पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन सही है कौन गलत है ये भी जनता देख रही है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस केस को प्यार से आपस में बैठकर एक सुलटाया जाए। चलिए, आपस में बैठ के इस केस को सुलझाया जाए, वक्त की कमी है। वैभव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव जी, आप पर आरोप लग रहा है कि आप लोग हवा दे रहे हैं इसको, इस केस को। देखिए भूपेश जी, जब हम राजनीति में आते हैं तो आरोप प्रत्यारोप तो एक रोजमर्रा का हिस्सा है, क्योंकि जहां जनता की सेवा परिपेक्ष से देखी जाती है और केवल एक ही मुद्दा होता है जनता की सेवा, वहां पे मेरे ख्याल से आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। लेकिन सुरेंद्र जी की बात में बहुत ज्यादा दम है। देखिए, उन्होंने, वो हम सबके बड़े हैं, हमने उनको बचपन से देखा है, सुरेंद्र जी ने अपने एक्सपीरियंस से, हम लोग मेरे ख्याल से बाकी तीनों लोग बिल्कुल छोटे हैं उनसे और बिल्कुल बच्चों की तरह, और आई थिंक उनके उनके एक्सपीरियंस से बिल्कुल उन्होंने एक कम शब्दों में इतनी बड़ी बात बोल दी कि ठीक है, वो जो कर रहा है उसको करने दो, तुम अपना देखो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बात भी वही होनी चाहिए थी, सरकार को इतना ग्लानी होनी चाहिए कि कटाक्ष सरकार चला रहे, कटाक्ष तो हो गई,
सबको तो खुश नहीं कर सकते ना, तो अगर कोई गाली भी दे रहा है तो इसमें क्या हो गया, जनप्रतिनिधि की यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 7 दिनों से ज्यादा के लिए अगर कंगना रनौत मुंबई आती है तो उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, ये खबर भी आएगी, ये खबर भी आई थी। इसे देखते हुए पहले ही COVID-19 का टेस्ट करवाया कंगना रनौत ने और अपनी नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लेकर आई है। उनको शायद सरकार की मंशा पर अभी उतना ज्यादा भरोसा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी RSS के साथ उद्धव ठाकरे के साथ ही शरद पवार भी कंगना रनौत के साथ दिखाई दे रहे हैं इस मुद्दे पर, और इस मुद्दे पर आने वाले घंटों में जो घटनाक्रम घटेगा, जैसे जैसे मीटिंग्स होंगी उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल वक्त की कमी है। वैभव अग्रवाल बहुत शुक्रिया, अनुज जी बहुत बहुत शुक्रिया, जयेश वाणी बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र पाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए। और फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप चलते रहिए सारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत, सारा नाम।